नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेंपल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आप सभी का आज के प्रवचन के अंदर स्वागत है। आज का प्रवचन स्टार्ट करें उससे पहले मंदिर के सभी देवताओं को प्रणाम, उनकी आज्ञा लेके हम आज का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग दो हाथ जोड़ के सभी भगवान का मन में नाम स्मरण कीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमो उपनिषदै गायन्ति याम सामगा ध्यानावस्थित गदगते नमनसा पश्यन्ति याम योगिनो यस्याम तम न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तो आज का प्रवचन का हमारा विषय है गणेश संकष्टी के दिन, यानी आज भी गणेश संकष्टी है। एवरी मंथ गणेश संकष्टी का पर्व आता है, जिसको कहते हैं गणेश चतुर्थी। महागणेश चतुर्थी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष और चतुर्थी के दिन आती है, वो सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी। एवरी मंथ जो आती है उसको कहते हैं गणेश संकष्टी। तो गणेश संकष्टी के दिन भगवान गणपति की पूजा करके गणपति का तर्पण करने का विधान गणेश पुराण के अंदर लिखा है। तो आज का हमारा विषय यही है कि गणेश संकष्टी के दिन गणपति की पूजा और गणेश जी का तर्पण क्यों करना। दूसरा हमारा विषय है भगवान गणपति को दुर्वा क्यों अर्पण करते हैं। दुर्वा यानी कि ग्रीन कलर का जो ग्रास जो ऑलवेज हम लोग गणपति को अर्पण करते हैं, उसको हिंदी में बोला जाता है धूप। तो भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करने का महत्व क्या है। नंबर थ्री, भगवान गणपति के मुख्य 12 नाम है। तो जो मुख्य 12 नाम यानी भगवान गणेश जी के जो 12 नेम्स है, उसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, वो हमें क्या संकेत देते हैं, उस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गणेश संकष्टी के दिन गणपति भगवान का तर्पण क्यों करना। तो तर्पण शब्द को समझने से पहले आप अनुष्ठान शब्द को समझिए। कोई भी देवी देवता का आप अनुष्ठान कर सकते हो। तो अनुष्ठान करने का अर्थ यह है वो देवता के पास आपके मन के अंदर जो भी संकल्प है वो अनुष्ठान के जरिए उस देवता की प्रसन्नता प्राप्त करना, वो है अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ यह है 5 अंग जिसमें इकट्ठा हो उसको कहते हैं अनुष्ठान। कोई भी देवी देवता का आप अनुष्ठान करके उनकी प्रसन्नता के द्वारा आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। जीवन में कोई ऐसा कार्य हो कि जो बहुत कठिन है, कई भगवान के व्रत किए, उपवास किए और अन्य पूजाएं की, मगर उसके कारण कर्म के सिद्धांत के अनुसार कोई फल न मिला। बहुत प्रयत्न करने के बाद जीवन में जो चीज आप हासिल करना चाहते हो वो नहीं मिल रही है, तो शास्त्र कहता है
कोई भी एक कर्म के मुताबिक, यानी आपका जो गोल है उसके मुताबिक जो भी देवी देवता आते हैं उस देवी देवता का आप अनुष्ठान करो। तो अनुष्ठान के पांच अंग है, जप, जप दशांश होम, होम दशांश तर्पण, तर्पण दशांश मार्जन, मार्जन दशांश ब्राह्मण भोजन। तो अनुष्ठान के पांच अंग हमारे धर्मशास्त्र में बताए हैं। सबसे पहला जप, कोई भी देवी देवता का आप मंत्र का जो जाप करते हो तो उसकी संख्या बताई गई है 1,25,000। 1,25,000 मीन्स 125,000। तो कोई भी देवी देवता का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और मन वांछित फल को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ उपाय वो है अनुष्ठान। और अनुष्ठान का सबसे पहला अंग है वो है जप। तो कोई भी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए 125,000 यानी 1,25,000, 1,25,000 उस देव के मंत्र का जाप करो। जप दशांश होम, दूसरा अंग है होम कर्म। जितना जाप किया उसका 10% हवन करो, अग्नि का आवाहन करके उसके अंदर उसी मंत्र के द्वारा आहुति दो। तो मानो कि आपने 125,000 यानी 1,25,000 मंत्र का जाप किया तो उसका 10% होता है 12,500। तो 12,500 मंत्र पढ़ के उसकी आहुति दो, वो अनुष्ठान का दूसरा अंग है होम कर्म। होम दशांशेन तर्पण, होम का दशांश यानी 10% वो है तर्पण, यानी 12,500। एक मिनट, हाँ म्यूट ऑल। 12,500 आपने होम कर्म किया उसका दशांश है वो है तर्पण, तो यानी हुआ 1,250, 1,250। तो 1,200, एक्सक्यूज मी, नो प्रदक्षिणा यहां लगाया है, नो प्रदक्षिणा सर। तो 1,250 वो है तर्पण की संख्या, यानी जो भी मंत्र आप पढ़ते हो वो मंत्र के द्वारा आपको भगवान का तर्पण करना है 1,250। तर्पण दशांशेन मार्जन, यानी जितना तर्पण किया उसका 10% वो है मार्जन। तो 1,250 तर्पण किया उसका 10% हुआ 125। तो 125 मंत्र पढ़ के आपको मार्जन करना चाहिए, ये उसका चौथा अंग हुआ, फोर्थ पार्ट। और 125 मार्जन का 10% यानी हुआ 12.5। तो 12.5 यानी 13 मानो, यानी 13 ब्राह्मण का भोजन, 13 ब्राह्मण का भोजन। तो ऐसे मिला के एक अनुष्ठान संपन्न होता है और अनुष्ठान करने से देवता अति प्रसन्न होते हैं। फिर से बताता हूं, अनुष्ठान के पांच अंग, जप, जप दशांश होम, होम दशांश तर्पण, तर्पण दशांश मार्जन, मार्जन दशांश ब्राह्मण भोजन। तो ऐसे करके एक अनुष्ठान संपन्न होता है। तो अनुष्ठान का तीसरा अंग वो है तर्पण। तो कोई भी कुदरती होनारत हो, जैसे कि दुकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि हो, बहुत बारिश हो जाए, अर्थक्वीक आए, ऐसे कुदरती होनारत जो है उसमें से प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान का तर्पण किया जाता है, सबसे पहला नियम। दूसरा,
जिस देवी देवता का आप अनुष्ठान करते हो या सिर्फ तर्पण करते हो, तो आपको मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। ये तर्पण का दूसरा अर्थ है। तर्पण का अर्थ ये हुआ, तर्पयामी इति तर्पण, देवताओं को तृप्त करना, वो है तर्पण। पितृओं के भी तर्पण आते हैं, शुभ कार्य और पितृ कार्य, उसके अंदर देव ऋषि मनुष्य पितृ का तर्पण होता है। तो तर्पण से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। अब गणपति का संकष्टी के दिन हम तर्पण क्यों करते हैं, तो गणेश पुराण के अंदर ऐसा वर्णन है कि गणपति का मूल मंत्र ओम गंगणपतये नमः, गणपति का तंत्र का मंत्र ओम श्रीम रीम क्लीम ग्लौम गंगणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा, गणपति की गायत्री मंत्र वो है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, गणपति का वैदिक मंत्र ओम गणानांत्वा गणपति गो हवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति गो हवामहे निधीनांत्वा निधिपति गो हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। तो ऐसे हरेक देव के अलग अलग प्रकार के मंत्र है। तो गणपति का मंत्र आप कोई भी लो, वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक या गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री, उसके द्वारा गणेश पुराण में वर्णन है 444 मिनिमम सब मिला के, यानी जितने भी लोग इकट्ठा होकर गणपति का तर्पण करते हो तो मिनिमम 444, वो भी ना कर सको तो सब मिला के 108 टाइम्स, यानी सबका मिला के परिवार के जितने भी सदस्य है या समूह में भगवान गणेश जी का तर्पण करते हो तो 108 टाइम्स गणपति का तर्पण करो। गणपति का तर्पण संकष्टी के दिन करने से गणपति अति प्रसन्न होते हैं। और गणेश पुराण के मत अनुसार आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। आपका जो भी काम बिगड़ा हुआ हो वो निकल जाता है। जन्म पत्री के अंदर राहु की महादशा चलती हो तब गणेश संकष्टी के दिन अवश्य गणपति का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि गणपति को प्रिय दुर्वा है और राहु का समिध यानी हवन की सामग्री राहु की वो है दुर्वा। तो इसीलिए राहु आपके जन्म पत्री के अंदर कोई नेगेटिव रोल में है कि आपको कोई भी कार्य के अंदर बहुत कठिनाइयां हो रही है, जीवन में मेहनत करने से, इन्वेस्टमेंट करने से, बुद्धि लगाने से सक्सेस नहीं मिलता, कोई भी काम पुशअप नहीं होता, तो ऐसे समय में संकष्टी का व्रत करो और भगवान गणपति की संकष्टी के दिन पूजा करके गणपति का तर्पण करो। हिंदू एंड जैन टेंपल ऑफ लास वेगास की ओर से कई सालों से हम लोग गणेश जी का संकष्टी के दिन तर्पण करते हैं और वो भी बिना मूल्य, उसकी कोई फीस नहीं है। कोविड के समय से आज तक ऐसा हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन गणेश जी का तर्पण करते थे। आज भी वो गणेश जी का तर्पण चल रहा है। जैसे आज मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी है, यानी आज के दिन ये प्रवचन के बाद 7 बजे से लेके 8 बजे तक गणपति की ऑनलाइन पूजा करेंगे। हर एक आदमी जो भी पार्टिसिपेट होना चाहता है वो अपने घर पे बैठे गणेश जी की पूजा करके गणपति का तर्पण मैं यहां से ऑनलाइन कराता हूं और उसकी कोई फीस नहीं है। ऐसे करके आप घर बैठे भी भगवान के आप पूजन और तर्पण कर सकते हो। तो गणेश संकष्टी के दिन आपके जीवन के कोई भी बाधा हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, उसको दूर करने के लिए भी गणपति का तर्पण वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गणेश पुराण के अंदर ये लिखा है कि संतान के रिलेटेड की किसी को समस्या है, लड़का या लड़की कॉलेज में है और उसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रही है,
तो आप पहले से ही गणेश संकष्टी के दिन गणपति का तर्पण करो। कोई बिजनेसमैन है, कोई नया बिजनेस ले रहा है और उसके अंदर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो ऐसे समय में भगवान गणपति का तर्पण करो संकष्टी के दिन, तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ गणेश संकष्टी के दिन गणपति का तर्पण करना। आज का प्रवचन का दूसरा विभाग है वो है गणपति भगवान को दुर्वा क्यों अर्पण करते हैं। भगवान गणपति को नैवेद्य यानी फूड, भगवान गणपति को नैवेद्य में प्रिय है मोदक, सततम मोदक प्रिय, भगवान ऑलवेज लड्डू यानी मोदक खाते हैं। मगर मोदक का संस्कृत में अर्थ ये होता है मोदक यानी प्रसन्नता। ऐसे देव जो ऑलवेज प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उसको कहते हैं मोदक। जिसको देखने मात्र से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड गणेश। तो वो भगवान गणपति का नाम है और भगवान गणपति को फूड में प्रिय है लड्डू यानी मोदक। वैसे भगवान गणपति को फ्रूट के अंदर कौन सा फ्रूट प्रिय है, तो कपित्त जंबू फलचारु भक्षणम। एक श्लोक में लिखा है कि गणपति भगवान को जैसे मोदक प्रिय है फूड में, वैसे भगवान को जांबू यानी जो खाने से हमारी टंक पर्पल कलर की हो जाती है वो फ्रूट, तो जांबू भगवान गणपति को अति प्रिय है। तो आप देखो कि हर एक चीज के पीछे शास्त्र और साइंस है। भगवान गणपति को मोदक प्रिय है यानी जो भी भक्त भगवान गणपति की पूजा करेगा तो प्रसाद के रूप में वो मोदक खाएगा। तो ज्यादातर मोदक दो टाइप के बनते हैं, शुगर के और गुड़ के। तो जो आदमी शुगर का लड्डू बना के भगवान को ऑफर करेगा और एवरीडे पूजा करके रोज लड्डू खाएगा, तो एक महीने के बाद डॉक्टर क्या कहेंगे, ब्लड टेस्ट होगा तो कि भाई आपकी शुगर बढ़ गई है। तो इसीलिए भगवान गणपति को सबसे प्रिय फ्रूट है वो है जांबू। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जितना जांबू की सीजन में आप जांबू खाना रखो तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। जांबू के अंदर जो बीज आता है उसका पाउडर बना के डायबिटीज वाला आदमी एवरीडे वो सेवन करे तो आयुर्वेद कहता है उसका शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए भगवान एक तरफ मोदक खाते हैं और दूसरी तरफ भगवान को प्रिय है जांबू। तो वो भक्त को एक प्रकार से संकेत देते हैं कि मैं शरीर का भी ध्यान रखता हूं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप धर्म कार्य कर सकते हो। तो ये उसका उदाहरण है कि भगवान मोदक भी खाते हैं और भगवान जांबू भी ग्रहण करते हैं। तो भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करना, तो ऐसा गणेश पुराण के अंदर वर्णन है। एक कथा आती है कि एक दानव यानी कि राक्षस वो पृथ्वी के ऊपर बहुत उपद्रव करता था। हर एक देवता अलग अलग जाके उसके साथ युद्ध करते थे तो भी वो वश में नहीं आता था, सभी देवता को वो परास्त करता था। इतना पावरफुल प्रभावशाली वो दानव था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, ये तो बड़ा शक्तिशाली दानव है, उसके साथ हम लोग युद्ध करते हैं तो हम जीत नहीं सकते, आप कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा शंकर और पार्वती का पुत्र गणपति
वो आपकी सहायता करेंगे। देवताओं ने भगवान गणपति की स्तुति की, गणपति का आवाहन किया और भगवान गणपति के समक्ष अपना प्रस्ताव रजू किया। हे प्रभु, आप इस संकट में से हमें दूर कीजिए, ये दानव बहुत बड़ा उपद्रव कर रहा है, उससे आप हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो वो दानव ऐसा था कि उसके साथ युद्ध करे और उसका सिर काट दे तो उसका रुधिर यानी ब्लड जमीन के ऊपर जहां गिरे वहां से दूसरा राक्षस उत्पन्न होता था उसके ही जैसा, तो इतना प्रभावशाली वो राक्षस था। तो गणपति ने उसके साथ युद्ध किया, जैसे ही भगवान उसका सिर काटते थे और उसका रुधिर जमीन पे गिरता था तो एक नया दानव उत्पन्न होता था। गणपति ने काफी बार इसके साथ युद्ध किया, काफी समय हो गया, फिर गणपति ने युक्ति अपनाई, क्योंकि सिद्धि बुद्धि के स्वामी है, बुद्धि के दाता है भगवान गणपति। भगवान गणेश ने उस राक्षस का सिर काटा और जैसे ही रुधिर जमीन के ऊपर गिरने वाला था, एक बाउल में गणपति भगवान ने वो रुधिर को भर लिया और वो पूरा रुधिर गणपति भगवान खुद पी गए। वो दानव का नाश हुआ, देवता प्रसन्न हुए, देवता गणपति के सामने गए, मगर गणपति ने वो जो रुधिर यानी ब्लड पिया था उसके कारण भगवान गणेश आकुल व्याकुल हो गए। उनके स्टमक के अंदर इतनी गर्मी, इतनी ज्वाला होने लगी, देवता लोग चिंतित हो गए कि शिवजी को पता चलेगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि भगवान गणेश तो बाल्य स्वरूप में थे। मां पार्वती को पता चलेगा तो हमारा क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उसका उपाय बताया कि दानव का रुधिर गणपति के पेट में है जिसके कारण भगवान गणपति आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो पृथ्वी के ऊपर एक औषधि है, उसका नाम है दुर्वा, वो दुर्वा लीजिए और उस दुर्वा को क्रश कीजिए और उसका पानी लेके भगवान गणपति को पिला दीजिए और काफी सारी दुर्वा लेके भगवान गणपति के मस्तक के ऊपर रखिए, जिससे भगवान का ये जो पेट के अंदर जो रुधिर है वो शांत होगा। आज की भाषा में देखे तो उसको कहते हैं वन टाइप ऑफ एसिडिटी। जब भी हम ऐसा कुछ खाते हैं और शरीर के अंदर एसिडिटी उत्पन्न होती है तो एक गोली आती है एसिडिटी को डाउन करने के लिए, वो है पुदीन हरा, वो भी ग्रीन कलर की आती है। तो जो दुर्वा है उसका कलर भी ग्रीन है, उसका रस वो पीने मात्र से हमारे शरीर की एसिडिटी कंट्रोल में रहती है। जैसे ही देवताओं ने भगवान गणपति को दुर्वा का रस पिलाया और भगवान गणपति के मस्तक के ऊपर चंदन में डीप करके दुर्वा रखी, जिससे भगवान गणेश जी को जो आकुल व्याकुलता हो रही थी उसमें से उनको शांति मिली, उसी दिन से हम भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करते हैं। उसका एक मंत्र है, दुर्वान पुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान आनितांस्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। वो अमृत के समान बताया है। तो दुर्वा अर्पण करने से भगवान गणपति को प्रसन्नता प्राप्त हुई, इसलिए जब भी भगवान गणपति की पूजा करो तो अवश्य भगवान को दुर्वा अर्पण करो। दुर्वा अर्पण करने से भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दुर्वा अर्पण करने से, उसका जूस पिलाने से भगवान की हेल्थ अच्छी हो गई, क्योंकि भगवान गणपति तो बाल्य स्वरूप में थे। तो उसी दिन से देवताओं ने हर बार गणपति की पूजा करते समय भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करने का नियम बनाया। इसीलिए तो हमारी जो भी पूजा होती है वो पूजा के अंदर गणपति की पूजा आती है तो अवश्य भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करते हैं, दुर्वा का हार बना के भगवान गणपति को पहनाते हैं,
भगवान के हाथ में दुर्वा अर्पण करते हैं, तो इसीलिए दुर्वा का महत्व बढ़ गया। तो सबसे श्रेष्ठ औषधि वो दुर्वा है, तो इसीलिए भगवान गणपति को हम दुर्वा अर्पण करते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और गणपति भगवान की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त हो। भगवान गणपति के मुख्य 12 नाम है। ये 12 नाम नारद ऋषि ने, नारद मुनि ने ये 12 नाम की रचना की है। उसका एक स्तोत्र यानी गणपति का ही स्तोत्र नारद जी ने लिखा, संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट को दूर करने वाला ऐसा पवित्र स्तोत्र नारद जी ने लिखा और हम सब लोग वो पूजा में भी उपयोग में लेते हैं। तो वो स्तोत्र के अंदर भगवान गणपति के मुख्य 12 नाम का वर्णन है। वो 12 नाम है, ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम श्री गजाननाय नमः। तो ये 12 नाम जो है उसका हमारे जीवन के ऊपर काफी सारा प्रभाव है। ये 12 नाम भगवान गणपति के अति पवित्र मंगल माने गए हैं। ये भगवान गणपति का 12 नाम का नाम मंत्र का जाप करते हैं, 12 नाम एवरीडे स्मरण करते हैं, द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि, हम ये 12 नाम सिर्फ सुनते भी है तो भी हमारा कल्याण होता है। तो ये 12 नेम्स जो है वो हमारे लाइफ के 12 प्रिंसिपल्स है। ये 12 प्रिंसिपल्स हम हमारे जीवन के अंदर अप्लाई करें तो हमारा जीवन विघ्न रहित और सुख शांति से भरपूर बन सकता है। तो भगवान गणपति का प्रथम नाम है सुमुखाय नमः। भगवान गणपति की मूर्ति देखो तो ऑलवेज भगवान गणपति प्रसन्न मूड में रहते हैं। तो वो हमें भक्त को क्या कहते हैं कि मेरे नाम से ये चीज आप ग्रहण करो कि जीवन में कर्म के अनुसार सुख और दुख आता है, इस जन्म के कर्म या प्रीवियस जन्म के कर्म, जिसके कारण सुख और दुख दो अवस्था आती है। तो सुख और दुख ये दो अवस्था में ऑलवेज प्रसन्न रहो, इसलिए भगवान का नाम है सुमुखाय नमः, सभी परिस्थिति में हंसते रहो। आज सुख है तो उसमें बहुत प्रसन्न मत हो जाओ क्योंकि कल दुख आएगा, कल दुख है तो समझो कि उसके बाद सुख आएगा। सुख और दुख वो जीवन का एक साधन है, सुख और दुख जीवन के दो सिक्के हैं। कोई आदमी 100% सुखी नहीं होता और कोई आदमी 100% दुखी नहीं होता। तो इसीलिए भगवान के 12 नाम में सबसे पहला नाम है सुमुखाय नमः, ऑलवेज कोई भी अवस्था में प्रसन्न रहो। दूसरा नाम है सुमुखाय नमः एकदंताय नमः, भगवान के टीथ आप देखे होंगे भगवान गणपति की मूर्ति में, तो भगवान का एक दांत बाहर निकला हुआ है, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा एकदंताय नमः। तो एक दंत उसका अर्थ यह है, भगवान हमें कहते हैं कि हे मनुष्य सुखी होना है तो एक वाणी यूज कर, आज कुछ बोला कल कुछ बोला, अपने बेनिफिट के लिए आज झूठ बोला और कल वही बात से मुकर जाना वो गलत है। रामायण में भी चौपाई में कहा है भगवान रामचंद्र ने, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारी वाणी एक होनी चाहिए। जो आदमी की वाणी तटस्थ है उसको जीवन में स्टार्टिंग में संघर्ष होगा मगर अंत में विजय की प्राप्ति होगी। तो सुखी होने के लिए दूसरा नाम वो है एकदंताय नमः, अपनी वाणी एक रखो।
कोई भी परिस्थिति में अपना स्टेटमेंट चेंज मत करो तो गणपति की कृपा प्राप्त होगी। भगवान गणपति का तीसरा नाम है ओम कपिलाय नमः। कपि मींस बंदर, मंकी। हमारा मन जो है ना वो मंकी की तरह है, चंचल। बंदर है ना, कभी इस जड़ से उस दूसरे जड़ के ऊपर ऐसे छलांग लगाता रहता है। वैसे ही हमारा मन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता रहता है। तो मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करके आप अपने कार्य में, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पूजा करते हो, कोई भी कार्य करो, आपके मन को स्थिर करके करो। तो इसलिए भगवान गणपति का तीसरा नाम है कपिलाय नमः। कपि यानी बंदर, उसका अर्थ यहां ये लिया गया है, हमारे मन के साथ ये नाम को जोड़ा गया है। हमारा मन भी कपि की तरह है। मन को शांत करो, मन को एकाग्र करो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके कोई भी काम करो तो उसके अंदर आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णाय नमः। भगवान गणपति का चौथा नाम है गजकर्णाय नमः। गज मींस हाथी और कर्ण मींस कान। भगवान गणपति के कान बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं। अन्य देवताओं के कान से आप देखो तो गणपति के कान बहुत लंबे हैं। तो उसको कहते हैं कान यानी एक सुपड़ा। गांव में लोग गेहूं को चारने के लिए ऐसा करके सुपड़ा का यूज करते हैं, यानी उसके ऊपर की पंखड़ियां चली जाती है और गेहूं वो सुपड़े के अंदर रहता है। कहने का अर्थ यह है गजकर्णाय नमः, हाथी के जैसे कान है वैसे ही भगवान गणपति के कान है। तो जीवन में जैसे जैसे बड़े होते जाओगे सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी और जो सही है उसको स्टोर करो, जो चीज गलत है, आपके लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, धर्म से विरुद्ध है, उसको बाहर निकाल दो। इसीलिए तो भगवान ने हमें दो कान दिए, मुख एक दिया मगर कान दो दिए। एक कान से सुनो, जो स्टोर करने जैसी बात है उसको यहां स्टोर करो, अदरवाइज सीधा वन वे, यहां से सुनो और यहां से निकाल दो। तो वो है जीवन में सुखी होने का माध्यम गजकर्णाय नमः। ऑलवेज अच्छा सुनो, धर्म विरुद्ध बातें मत सुनो, जो अच्छी बातें हैं उसको स्टोर करना रखो। मगर मनुष्य करता क्या है, जो गलत बात है उसको स्टोर करता है और जो अच्छी बात है वो वनवे में से निकाल देता है। तो यहां स्टोर गया हो गया नेगेटिव चीज, जिसके कारण मनुष्य के विचार नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव सोच बनने लगती है, नेगेटिव कार्य करने लगता है और अंत में वो दुखी होता है। तो इसीलिए भगवान गणपति का चौथा नाम गजकर्णाय नमः। कानों से अच्छा सुनो और अपने दिमाग में अच्छी चीजें स्टोर करो। भगवान गणपति का पांचवा नाम है लंबोदराय नमः। भगवान का पेट कैसा है तो लंबोदर यानी बहुत बड़ा विशाल पेट है। वो हमें क्या संकेत देते हैं कि कान से सभी की बातें सुनो मगर ये पेट है ना वो समुद्र के जैसा बहुत बड़ा विशाल पेट है, उसके अंदर सारी चीजें अंदर डाल दो, वो स्टोर कर दो, गलत चीजें बाहर मत आने दो, आपके अंदर की भी जो बुराइयां हैं वो बाहर मत आने दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, ये सब अंदर दबा के रखो, उसको बाहर आने मत दो। तो इसीलिए भगवान गणपति का नाम है पांचवा नाम लंबोदराय नमः। भगवान का उदर यानी पेट इतना बड़ा है कि जो अंदर की जो चीजें हैं, हमारी गलत फहमियां हैं या हमारी गलतियां हैं, उसको अंदर दबा के रखो, बाहर आएगी तो आपका तो नाश करेगी, समाज का भी विनाश करेगी।
तो बुरी चीजों को बाहर मत आने दो। अपने आप को सोचो कि मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, उसको बाहर मत निकालो, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। भगवान गणपति का छठा नाम है विकटाय नमः। विकट परिस्थिति में, विकट परिस्थिति का अर्थ यह है कि कोई चीज ऐसी है कि आदमी कंफ्यूज हो कि क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास एक मोटेल है डेजिन कंपनी की। अब उसने जीवन में मेहनत से, प्रारब्ध से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से उसने नई होटल ली। होटल लेने के बाद वो आदमी मानो कि टेंशन में आ जाए कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी विकट परिस्थिति जब भी आए, आपको कंफ्यूज करे, आप कोई भी कार्य करते हो, आपकी प्रगति हो, वो प्रगति के समय आप साहस लेते हो, साहस के दरमियान आपका मन कंफ्यूज हो जाए कि इतना बड़ा मैंने रिस्क लिया बिजनेस के अंदर और क्या होगा, मैं क्या करूं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप अवश्य भगवान गणपति के ये 12 नाम का जाप करो। गणपति की संकष्टि के दिन गणेश तर्पण करो, गणेश जी की पूजा करो, जिससे विकट यानी विकट परिस्थिति में से कौन सा रास्ता सही है वो आपको पता चले और जिससे आपको सक्सेस की प्राप्ति हो। तो इसीलिए भगवान गणपति का 6th नंबर का नाम है विकटाय नमः। भगवान गणपति का 7th नेम वो है विघ्ननाशनाय नमः। जीवन में अनएक्सपेक्टेड कोई विघ्न आ जाए, यानी कोई विघ्न आ जाए अचानक से, परिवार के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर कोई विघ्न आ जाए, ऑब्स्टिकल्स, विघ्न मींस ऑब्स्टिकल्स, तो वो ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर किया जाए, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, तो उस समय भगवान गणपति के ये 12 नाम आपको हेल्प करेंगे। भगवान कहते हैं कि उस समय तू मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर, आया हुआ विघ्न दूर होगा। इसलिए भगवान का नाम है विघ्न विनाशकाय नमः। तो भगवान गणपति के अलग अलग नाम का हमारे जीवन के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रभाव है। हम भगवान गणपति के नाम स्मरण करते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार की गणपति की शक्तियां हमें प्राप्त होती है। भगवान का 8th नाम है विनायकाय नमः। विनायक जीवन में केवल और केवल सक्सेस होना है, आपके गोल, आपके जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिए भगवान गणपति की उपासना करो। इसलिए भगवान का नाम है विनायकाय नमः। जीवन में विन यानी सक्सेस होना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो भगवान गणपति की उपासना करो। जब ब्राह्मण का लड़का उपनयन संस्कार के योग्य होता है, यानी उसको जनेऊ पहनाते हैं ऐसी व्हाइट कलर की, तो उपनयन संस्कार के दरमियान गुरु जी कहते हैं उसके कान में, हे शिष्य तू गणपति का भक्त बन। तो गणपति की दीक्षा यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा भी प्राप्त होती है। ब्राह्मण का लड़का द्विजत्व प्राप्त करता है, यानी उसका दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार धारण करता है, तब गुरु कहते हैं तू गणपति का भक्त बन। तो इसलिए भगवान का नाम है ओम विनायकाय नमः। फिर भगवान का 9th नाम है
ओम धूम्र केतवे नमः। भगवान का वर्ण कैसा बताया, तो भगवान जहां विराजमान है आसपास धूम्र वर्णाय नमः। एक्सक्यूज मी, नो प्रदक्षिण। तो भगवान का नाम है धूम्र केतवे नमः। जीवन में धूम्र मीन्स ऐसे बादल आपके जीवन में आ जाए, आपके लिए सही क्या, आपके लिए गलत क्या। जैसे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, कोई लाइन उसको सेट करानी है, अब वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए या कंप्यूटर की लाइन में जाए या मेडिकल लाइन में जाए, कंफ्यूजन है। तो ऐसे कंफ्यूजन के समय हमें कोई सूझबूझ नहीं पड़ती कि क्या सही क्या गलत। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा नाम है ओम धूम्र केतवे नमः। ऐसी चीजों में से हमें रास्ता दिखाई दे। और केतवे उसका अर्थ है ध्वजा पताका, यानी भगवान के मंदिर के ऊपर जो पताका होती है, जो क्लोथ, उसको कहते हैं ध्वजा और पताका। तो हमारा जीवन में ध्वजा पताका लहराए, यानी सक्सेस हो, हम हमारे जीवन में आगे बढ़े, हर एक परिस्थितियों का सामना करके जीवन में संघर्ष के बाद हम आगे बढ़ते रहे, इसीलिए तो भगवान का नाम है ओम धूम्र केतवे नमः। तो भगवान का ये नौवां नाम जीवन में हमें संघर्ष और जो भी कठिनाइयां आती है उसके बाद भी जीवन में आगे बढ़े। हम कंफ्यूज हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, वो जानने की क्षमता, वो बुद्धि हमें प्राप्त हो, इसीलिए भगवान का नौवां नाम है धूम्र केतवे नमः। भगवान का दसवां नाम है ओम गणाध्यक्षाय नमः। भगवान गणपति का 10th नंबर का नाम वो है गणाध्यक्षाय नमः। गणाध्यक्ष उसका अर्थ ये हुआ गणानाम अधिपति इति गणपति, गणानाम अध्यक्ष इति गणाध्यक्ष। अध्यक्ष मीन्स सुप्रीम, सबसे बड़ा। गण यानी समूह। तो देवताओं का जो समूह है, जितने भी स्वर्ग के देवता है, उनका अध्यक्ष, उनका सबसे बड़ा लीडर वो है भगवान गणपति। तो जीवन में आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करते हो, उसके अंदर आपको यूनिटी बना के आपका कार्य सिद्ध करना है। कोई आदमी मोटेल इंडस्ट्रीज के अंदर है तो काफी सारे अलग अलग प्रकार के स्टाफ मेंबर होते हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। तो हर एक के साथ और कस्टमर के साथ भी तालमेल रख के उस बिजनेस को प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ाना, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो बुद्धि हमें प्राप्त होती है ओम गणाध्यक्षाय नमः। इसीलिए तो भगवान कहते हैं सभी देवताओं का समूह मुझे पूजता है, मुझे मानता है, मेरी सलाह मशवरा लेता है, इसीलिए तो मैं कहलाता हूं गणाध्यक्षाय नमः। गणों का अधिपति यानी देवताओं का अधिपति मैं हूं, इसलिए मेरा नाम पड़ा गणाध्यक्ष। भगवान का 11th यानी 11th नंबर का नाम है भालचंद्राय नमः। भाले चंद्र इति भालचंद्र। जीवन में सक्सेस होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो भाले मींस कपाल, ये भाग ये ठंडा रखो। आदमी ज्यादा से ज्यादा 100 टेम्परेचर हो गया, इसके कारण ही उसके जीवन में ब्लड प्रेशर आ गया। तो जो भी आदमी 100 टेम्परेचर है, थोड़ी बात में गुस्सा आ जाए, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो, इतना याद रखो। कोई भी मनुष्य जब भी क्रोध करता है तो सबसे पहला नुकसान क्या होगा? कोई कहेगा कि क्रोध के कारण वो किसी का रिलेशन बिगाड़ेगा,
हाथापाई होगी तो किसी को जान हानि हो सकती है, हाथ में कोई चीज आ गई, आईफोन 13 उसके हाथ में आ गया और गुस्सा हो गया और फेंक दिया तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज उसका नुकसान होगा, किसी आदमी के साथ आपका रिलेशन बिगड़ना, शरीर में जान हानि होना, तो ये सारे क्रोध के कारण है। मगर उससे भी बड़ा कारण है, क्रोध हमारे पुण्य को नष्ट करता है। आपने बच्चों के ऊपर क्रोध किया, वाइफ के ऊपर क्रोध किया, फ्रेंड्स के ऊपर क्रोध किया, भाई बहन के साथ क्रोध किया, तो समझ लो क्रोध करने से आपका पुण्य नष्ट हो गया, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पुण्य यानी एक कॉटन, एक बड़ा सा कॉटन है, और क्रोध यानी एक जलती हुई माचिस की चिंगारी। जलती हुई माचिस की चिंगारी यानी क्रोध, वो पुण्यशाली कॉटन के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, आपका पुण्य नष्ट होगा। इसलिए क्रोध मत करो। बालचंद्राय नमः, भगवान गणपति के मस्तक के ऊपर यहां चंद्र विराजमान है। चंद्र यानी शीतलता का प्रतीक, शांत का प्रतीक। तो जीवन में मन को, मगज को, दिमाग को शांत रखो। शांत मन से कोई भी चीज सोच के, भगवान की प्रार्थना करके, माता पिता गुरु के आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य का आरंभ करो, उसमें आपको अवश्य सक्सेस प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान का नाम है बालचंद्राय नमः। आयुर्वेद तो ये कहता है मन को रखो ठंडा और पैरों को रखो गर्म, तो कभी शरीर में रोग का प्रवेश नहीं होगा। पैर को गर्म रखना यानी क्या, जितना हो सके इतना वॉकिंग करो और मन को रखो शांत, तो शरीर में रोग का उपद्रव कम होगा। आजकल रिवर्स हो गया, सबके पास गाड़ी है, घर से बाहर निकले, इवन घर से बाहर भी नहीं, घर से सीधा गैराज में जाके गाड़ी में बैठ जाना, गाड़ी का सेल लगाना और कहीं भी जाने के लिए गाड़ी लेके जाना, तो पैरों की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकली, वो रिवर्स आई। पैर गर्म नहीं है यानी चलना बंद कर दिया, वो रिवर्स बैक आया और वो गर्मी कहां चली गई, मस्तक के ऊपर, जिसके कारण मनुष्य अनएक्सपेक्टेड काम करने लगा। सही गलत क्या है वो उसको पता नहीं है, जो दिमाग में आया वो सही, जो सोचा वो सही, जो देखा वो सही, कोई सोचने की बात, शांत मन से एकाग्रता होने की बात नहीं है। तो इसलिए भगवान का नाम है बालचंद्राय नमः। एक्सक्यूज मी, 5 मिनट्स के अंदर लेक्चर समाप्त हो, थैंक यू। तो भगवान गणपति का 11th नेम है, वो है बालचंद्राय नमः। भाले चंद्र इति भालचंद्र। तो मन को शांत रखो एकाग्रता से, शांत मन करने के बाद, आपका पुण्य बढ़ने के बाद, माता पिता के आशीर्वाद, गुरु भगवान उनके आशीर्वाद से आपका पुण्य बढ़ता है, उसके बाद आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको सक्सेस प्राप्त होगी। भगवान गणपति का लास्ट नेम है ओम गजाननाय नमः। गज यानी हाथी और आनंद मीन्स प्रसन्नता। तो भगवान गजानन जो है वो हमें वो नाम, वो मंत्र हमें क्या सूचित करता है कि हे मनुष्य, तू सत्य के रास्ते पे चलेगा, तेरे पीछे बुराई करने वाले लोग भी होंगे। तो जैसे जंगल में हाथी अपनी मस्ती में अपना जीवन पसार करता है, हाथी को कभी आपने विदाउट मस्ती नहीं देखा होगा, वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। तो कहने का अर्थ यह है, ये भगवान का नाम गजानंद यानी आप अपनी मस्ती में रहो, आप आगे बढ़ते रहो, आपके पीछे बुराई करने वाले बुरा बोलते रहेंगे, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो।
आपने अपना ध्यान, आपने अपना कॉन्सेंट्रेट कहीं पे भी किया तो मन की शांति चली जाएगी। तो इसलिए भगवान का लास्ट नाम है गजानंद। हाथी जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहता है, आप सत्कर्म करो, धर्म में बताए हुए रास्ते पे चलो, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद लो, जिसके कारण आपका जीवन अलमस्त रहेगा, शांतिपूर्ण अपना जीवन पसार करो। जो कोई भी लोग बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, वो आपके पीछे बोलते रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट मत करो। आप अपना जो गोल है वो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। इसीलिए भगवान गणपति का लास्ट नेम है गजाननाय नमः। तो ऐसे भगवान गणपति के 12 नाम जीवन में हमें अलग अलग प्रकार की सूचना देते हैं। भगवान के 12 नाम से हमें कोई चीज ग्रहण करनी चाहिए। तो मेरे ज्ञान के अनुसार, धर्मशास्त्र में बताए हुए रास्ते के अनुसार, मैंने आप सबको भगवान गणपति के 12 नाम बताए। ये 12 नाम नित्य स्मरण करने से भगवान गणपति की पूर्ण कृपा हमारे परिवार के ऊपर रहती है। तो जिसको भी ये भगवान गणपति के 12 नाम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको 12 नाम भेज सकता हूं। 12 नाम नित्य आप भगवान का सुबह या शाम मंत्र का जाप करते हो, उससे आपका सदैव कल्याण होगा, गणपति की पूर्ण कृपा होगी। भगवान गणपति की 2 पत्नियां सिद्धि बुद्धि, यानी कार्य में सिद्धि और आपको बुद्धि, दोनों प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में लक्ष, यानी भगवान गणपति के 2 पुत्र लक्ष एंड लाभ, आपका फुल्ली कॉन्सेंट्रेट आपके कार्य के ऊपर होगा और उससे आपका लाभ यानी बेनिफिट होगा। तो ऐसा भगवान गणपति का मंगलमय परिवार, 12 नाम हमने सुने और उसके पीछे की क्या क्या वजह है, कौन से नाम का क्या अर्थ है, वो मैंने आपको बताया। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करे। मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नेक्स्ट वेनसडे फिर से 6 to 7 धर्म की चर्चा के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गणेश। जिसको भी गणपति संकष्टी की पूजा करनी है तो एवरी मंथ हम लोग गणपति संकष्टी की पूजा करते हैं। आप अपने घर बैठे भगवान गणपति की पूजा कर सकते हो, क्योंकि कोविड के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन पूजा की है, उसकी कोई फीस नहीं है, आपको कुछ देना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करो। तो जिसको भी पार्टिसिपेट होना है वो भी मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो एक संकष्टी का गणेश जी का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर हम आपका नाम ऐड करेंगे। एवरी संकष्टी आने से पहले हम आपको बता देंगे कि कौन से दिन कौन से समय पे, यानी शाम के समय ही ये गणपति की पूजा करते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। अभी 7 बजे 7 o'clock को हम ऑनलाइन गणपति की पूजा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, एक आशीर्वाद देता हूं और उसके बाद यहां प्रवचन को समाप्त करता हूं। कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमोस्तु दीर्घायुरस्तु शत जन्म विवृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु तव कार्य सिद्धिरस्तु वंशे सदैव भवताम् हरि भक्तिरस्तु। गजानन गणपति महाराज की जय। मंगल मुरदी मोरिया सिद्धि विनायक भगवान की जय। 3 बार सभी लोग भगवान विष्णु का नाम स्मरण कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणान्ते सर्वं विदेहे परिपूर्णमस्तु। अस्तु परिपूर्णम। जमीन को हाथ टच कीजिए, राइट हैंड। ओम देवराज इंद्राय नमः। नमस्कार कीजिए, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेनसडे 6 o'clock फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।